हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रखर कार्यपुस्तिका क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी वर्कबुक है इसके वर्कशीट नंबर 36 से लेकर के तो वर्कशीट नंबर 40 तक कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि बच्चों, इस एक ही वीडियो में आपको वर्कशीट नंबर 31, 32, 33, 34 और 35 के आंसर्स बताए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट नंबर 36 से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा। कॉम्पिटेंसी हमें दी है वर्कशीट नंबर 36 की, आइडेंटिफाई सिंपल पास्ट टेंस एप्रोप्रिएटली, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब। बच्चों, करेक्ट वर्ब का प्रयोग करके जो पैराग्राफ हमें दिया है इसे कंप्लीट करना है। ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। तो बच्चों, फर्स्ट में तो हम यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे गैदर्ड, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड सेंटेंस आएगा, दे वेंट फॉर द इंटर स्कूल नोटिस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वेंट। इसके बाद में है द बस अराइव्ड। यहाँ पर अराइव और अराइव्ड आपको दिया है तो अराइव्ड आप कर लोगे। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर स्टेडियम, ठीक है, लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स टुक, इसमें आपका आ जाएगा टुक देयर पोजिशन कोच। बिलो द विशल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल रन फास्ट, ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा आर एन रेन, रेन फास्ट। फिर आपका बच्चों यहाँ पर सी ए एम ई केम आ जाएगा, केम फर्स्ट। एवरी वन डिड देयर बेस्ट एंड अवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, एवरी वन फेल्ट हैप्पी। ओके, तो बच्चों ये करेक्ट वर्ब का प्रयोग करके हमने कंप्लीट किया। बी वाला क्वेश्चन इसी में हमें दिया है, द कीर्ति स्तंभ बास बिल्ट बाय राणा कुंभा। यानी कि जो कीर्ति स्तंभ है उसे उन्हें राणा कुंभा ने उसे बनाया था। सेकंड हमारा है, वी वेंट टू द स्टेशन वर द ट्रेन हेड गोन। वह स्टेशन पर गए लेकिन जो ट्रेन थी वहाँ से जा चुकी थी। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। अब इसमें आपका तीसरा है बच्चों, इसमें लिव्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे। तो फोर्थ नंबर के में हमारा आ जाएगा वॉन। नेक्स्ट हम देखेंगे, वी सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट। तो फिफ्थ नंबर के में सेलिब्रेटेड आएगा। बच्चे इसके बाद में वर्कशीट नंबर 37 हम देखेंगे। कॉम्पिटेंसी दी है, यूजेस क्वेश्चन वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन एप्रोप्रिएटली, फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद बोट। तो बोट का प्रयोग करके हमें स्टार्टिंग करनी है। व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ डस्टबिन, है ना, ये क्या है, तो ये क्या है बच्चों, डस्टबिन है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया, व्हाट इज दैट, दैट इज अ ड्राइवर। अब जो हमें क्या करना है, ऑलरेडी से हमें आंसर्स दिए हैं, आंसर के हमें क्वेश्चन बनानी है। जैसे कि आंसर हमारे पास लिखा था, दिस इज अ फ्रूट बास्केट, यानी कि ये जो बास्केट है ये किसकी बास्केट है, बाल्टी है जो किसकी, फ्रूट्स की। तो आंसर हमने लिखा व्हाट इज दिस। फिर दैट इज अ मास्क, तो दैट इज अ मास्क का हमने क्या लिखा, व्हाट इज दिस। फिर नेक्स्ट बच्चों, दिस इज अ श्वीना, इसका हमने क्या लिखा, व्हाट इज दिस, यानी कि यह क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, दैट इज अ बाइसिकल, इसका क्वेश्चन हम लिखेंगे व्हाट इज दिस। फिर दिस इज अ ग्रास, जैसे ये हमें घास दिखाई दे रहा है, दिस इज अ ग्रास लिखा है तो इसका आंसर लिखेंगे व्हाट इज दिस। फिर दैट इज अ फिश, इसका क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस। वर्कशीट नंबर 38 आ जाता है बच्चों, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। राइट पैराग्राफ बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय ग्रैंड पेरेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 38। कुछ नीचे हमें पॉइंट्स दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पैराग्राफ को शॉर्ट पैराग्राफ हमें लिखना है। तो चलिए देखिए, पैराग्राफ हमने लिखा, माय ग्रैंड पेरेंट इज द रूट ऑफ अवर फैमिली, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट है वे हमारी फैमिली के क्या है, रूट है। एंड टीचर्स
अस गुड वैल्यूज़, और वह हमें क्या गुड वैल्यू यानी कि अच्छी आदतें सिखाते हैं, लाइक काइंडनेस जैसे कि दयालुता एंड रिस्पेक्ट और आदर करना। दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस, और उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा अनुभव है, एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर अस, और वे हमें सदा बचाव और हमारी केयर करते हैं। देयर सेल्फलेस लव ब्रिंग्स आवर फैमिली क्लोजर एवरी डे, और उनका जो प्यार है वह हमें क्या एक दूसरे को फैमिली को क्लोज लाने का कार्य करता है रोज़। चलिए जो ये हमारी कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 39 आ जाती है, ये देखेंगे कॉम्पिटेंसी राइट लॉन्ग फॉर्म्स एप्रोप्रिएटली, फॉर्मल लेटर लिख पाना इसकी कॉम्पिटेंसी है। यू आर अ खुशबू, यानी कि आप खुशबू हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही हो, गोकुलपुरा जयपुर, और जो स्कूल है कहाँ पर है गोकुलपुरा जयपुर में है। इन क्लास एट, और आप कौन सी क्लास एट के स्टूडेंट हो। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेस, आपको बुखार आया है, आप बुखार से पीड़ित हो तो आप जो है स्कूल नहीं जा सकते, क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल हैं उनको आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ऑफ योर स्कूल आई टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए। अब जो डिटेल्स जो है हमें एप्लीकेशन की यहाँ पर दी है लगभग सभी, इसके अकॉर्डिंग ही जो हमें एप्लीकेशन है वह कंप्लीट करनी होगी। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद में बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारे क्या आ जाएगा लीव फॉर 3 days, यानी कि 3 दिन की छुट्टी हमें चाहिए, वह लिख देंगे। नीचे लिखेंगे सर रिस्पेक्टफुली आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट इवनिंग, यानी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं फीवर से पीड़ित हूँ लास्ट इवनिंग से। और बच्चों अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, इसकी जगह पे मैं बता देता हूँ। सो आई एम नोट, ठीक है, सो आई एम नोट टू अटेंड द क्लासेस, तो सो लिखोगे, आई लिखोगे, ए एम एम लिखोगे और नोट। सो आई एम नोट टू अटेंड द क्लासेस फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 3 days। फिर आ जाएगा बच्चों थैंकिंग यू, यू आर ओबीडियंटली खुशबू, नाम लिखोगे क्योंकि एप्लीकेशन में हमें दिया, क्लास में 8 डालोगे क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन में 8 क्लास लिखने को बोला गया है। वर्कशीट नंबर 40 बच्चों हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटेंसी दी है यूसेस एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस अप्रोप्रिएटली। रीड द सेंटेंस योगिता कुक्स फूड, फूड इज कुक्ड बाय योगिता, ठीक है। द सब्जेक्ट योगिता इन द फर्स्ट सेंटेंस चेंज इंटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब जो ऐसे ही हमें दिया है चेंज द अंडरलाइन सब्जेक्ट द पैसिव वॉइस। रोहन सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय रोहन। सी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर। हेमंत सर टीच मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज टॉट बाय हेमंत सर, ऐसे हमने चेंज किया है बच्चों। रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, रेखा जो इंग्लिश की बुक पढ़ती है, इंग्लिश बुक इज बीइंग रीड बाय रेखा, इंग्लिश की जो बुक है वह रेखा के द्वारा पढ़ी जा रही है। लिब्रेनियन डिस्ट्रीब्यूट्स द बुक्स, लिब्रेनियन बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लिब्रेनियन, जो बुक्स हैं वह लिब्रेनियन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सुशीला जो है अपनी साइकिल को रिपेयर कर रही है, हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाय सुशीला, उसकी साइकिल सुशीला के द्वारा रिपेयर की जा रही है। ही वॉचेस अ मूवी, वह क्या मूवी देख रहा है, अ मूवी इज पोस्ट बाय हिम, मूवी उसके द्वारा देखी जा रही है। सीमा इज कुकिंग डिनर, सीमा जो है डिनर बना रही है, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा, डिनर सीमा के द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रकार से बच्चों हमें चेंज करके लिख रहे हैं, दे वर पेंटिंग द हाउस, वे हाउस को पेंटिंग कर रहे हैं, द हाउस वॉज बींग पेंटेड बाय देम, जो हाउस है उनके द्वारा पेंट किया जा रहा है। वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉन्सर्ट टू नाइट, वह आज रात को कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ए कॉन्सर्ट इज गोइंग टू बी अटेंड बाय अस टू नाइट, जो कॉन्सर्ट है वह उनके द्वारा रात को अटेंड किया जाएगा। बच्चों हमारा कंप्लीट होता है वर्कशीट नंबर 36 से 40 तक। अगर आपको इसकी बात किया पहले के वर्कशीट देखने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर चैनल पर जाकर के देख सकते हो, सेपरेट प्लेलिस्ट भी हमने बना रखी है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं।